गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शीतल बाखरा, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी के लेवल्स। अगर आपने देखे होंगे जो संडे मतलब हार्डली 3 दिन बिफोर मैंने आप लोगों के साथ लेवल्स दिए थे, नीचे के 2 लेवल ऊपर के 2 लेवल दोनों परफेक्टली अचीव हो गया है। यस, आज मैं आपसे बात करूंगी आपका फेवरेट स्टॉक यस बैंक। मुझे पता है आप लोग मतलब 20-80 का रेशियो में निकाल लेती हूँ, और 80 के रेशियो के लोग जो है मतलब 100 में से 80% लोगों को यस बैंक बहुत पसंद है। और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आए कि अभी क्या करना चाहिए। अगर आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब FPO आया था और आपने वो वीडियो निकाल के अगर देखा तो मैंने वहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, वही रेट आपको नीचे के लेवल में वापस मिल जाएगा। आज वही कंडीशन है, आपको वो स्टॉक जो है वो एग्जैक्ट 12.50 रुपये पे मिल रहा है। दैट इज इसे बोलते हैं कि फंडामेंटली आपको कंपनी की स्टडी करनी पड़ेगी। 2020 नॉट गुड फॉर यस बैंक, आपने देखा होगा बहुत बुरी तरीके से पिटाई की है, बहुत बड़ा वॉल्यूम हम लोग इस स्टॉक में बोल सकते हैं। बट आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है, इसे हमें बाय करना चाहिए एक्स्ट्रा। आपके पास काफ़ी सारे लोग स्टक है, मुझे पता है 130, 120, कोई 200 पे, कोई 50 रुपीज़ पे, कोई 70 रुपीज़ पे, काफ़ी सारे लोग इसमें स्टक है। और वहाँ से कैसे एग्जिट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में जब आप एंटर करते हो तो एग्जिट आपके हाथ में पहले होना चाहिए। इमरजेंसी डोर्स अगर आपके पास है तो आप कोई भी स्टॉक में खरीद लीजिए, मतलब चिंदीगिरी स्टॉक में भी आप खरीदते हो तो बट आपके पास एग्जिट होना चाहिए। आपके पास ऐसे वाले स्टॉक में स्टॉप लॉस जरूरी होना चाहिए। तो यहाँ पे टेक्निकली 2020 नॉट गुड फॉर यस बैंक, यस बैंक डेफिनेटली गुड स्टॉक, बट इसमें काफ़ी सारी फंडामेंटली न्यूज मतलब एज ए न्यूमरोलॉजी जब मैंने उसका स्टॉक कोड देखा, बैलेंस शीट देखी, फंडामेंटल चेक किए, काफ़ी सारा स्टडी करके आज मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ। जब मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, यस मैं आपको बताने वाली हूँ कि न्यूमरोलॉजिकली कौन से नंबर के लिए यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा, वो भी मैं आप लोगों। और आप लोग अगर स्टक हो तो, अगर आप लोग स्टक हो तो होल्ड कर लीजिए, अगर आप एवरेज कर सकते हो तो कर सकते हो। अभी 12.50 रुपये पे अगर आप एवरेज करते हो फाइनल, यहाँ पे मैंने FPO के टाइम पे 16-17 रुपये पे आपको मना किया था, अगर आप लोग यहाँ पे एवरेज करते हो 12.50 रुपये पे तो स्ट्रिक्टली आपको 11 रुपये का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। आने वाले 2 से 3 साल का टारगेट मैं दे रही हूँ, मैं नॉट ओनली मंथ में जाएगा, 2 मंथ में जाएगा। आज की डेट आप नोट डाउन कर लीजिए, 5 अगस्त को मैंने आपको यस बैंक का टारगेट दिया है, वो भी 12.50 रुपये पे खरीद लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 11 रुपये का, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 20 रुपीज, सेकेंड टारगेट रहेगा 25 रुपीज, और थर्ड टारगेट रहेगा मेरा 32 रुपीज। ये था यस बैंक का डिटेल, जो आप लोगों के सवाल थे उसमें आज मैंने आपको आंसर्स दिए हैं। यस, आपने देखा होगा यहाँ पे कि आज सारे लेवल्स अचीव हुए हैं, मतलब निफ्टी के ऊपर के 2 लेवल अचीव हुए हैं और नीचे के 2 लेवल अब अचीव हुए हैं। आज मैंने स्टॉक मार्केट में कैसे प्रॉफिट किया है वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यस, फंडामेंटली कहीं ना कहीं काफ़ी सारा स्टडी करने के बाद मेरा एक कंक्लूजन निकला है कि आप यहाँ पे 12.50 रुपये पे खरीद सकते हो, टारगेट 20, 25 और 32 विद इन 2 to 3 years। एंड वन मोर थिंग, मेरे बोलने पे आप ना खरीदे, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए उसके बाद में। यस, न्यूमरोलॉजिकली अगर स्टॉक कोड मैं यहाँ पे देखूँ तो देखो, एक मोटा मोटी मैं बोल रही हूँ, आपके बर्थ डेट की पूरी टोटल मैंने नहीं की है, स्टार्टिंग के जो ड्राइवर नंबर है उस हिसाब से 3 तारीख को जिनका बर्थडे आता है, 12 तारीख को जिनका बर्थडे आता है, 21 को जिनका बर्थडे आता है, 30 तारीख को जिनका बर्थडे आता है, मतलब 3 नंबर के लिए यस बैंक गुड फॉर बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, अब जब मैं आपकी स्टडी करूंगी, ये तो मैंने मोटा मोटी बोल दिया, बाकी नंबर्स के लिए भी तो यस बैंक आपको खरीदना होगा, तब जब मैं आपकी पूरी स्टडी करूंगी उसके बाद में अगर आपको सूटेबल हो तो डेफिनेटली मैं आपको डन करूंगी। तो गाइज, आपने यहाँ पे देखा होगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 11,160 और 11,227 मेरे 2 लेवल ऊपर के अचीव हो गए। नीचे का आपने देखा कल परसों, मतलब हार्डली 3 दिनों में ये 4 लेवल कंप्लीट होते हुए आपने देखे हैं। यस, आज का निफ्टी का हाई हम लोग देख लेते हैं, देखिए 11,225 था ना, परफेक्ट
सो गाइज, यहाँ पे आज मैंने क्या ट्रेड किया है और क्यों किया है आप देख सकते हो। सुबह सुबह मैंने रिलायंस यहाँ पे बेच दिया। सुबह मतलब कितने बजे आप देख सकते हो, मार्केट खुलता है 9:15 पे और मैंने बेचा है 9:16:45 में। मैंने रिलायंस यहाँ पे आप देख सकते हो 2191 पे 505 क्वांटिटी मैंने बेच दी है और यहाँ पे प्रॉफिट अभी तक मैंने लिया नहीं है। अभी यहाँ पे प्रॉफिट है 23,785। वन ऑफ माई स्टूडेंट इन्हें मैंने हम दोनों ने डिस्कस करके आज इसे बेचा था और आप देख सकते हो आपने मार्केट खुलने के बाद क्या किया, आपने एंट्री की और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सेल किया। देन उसके बाद में आपको पता है और एक स्टॉक में कैश में कैसे प्रॉफिट हो सकता है देख सकते हो। यस यादव सर, देखिए कैश में मैंने क्या किया, कितनी कम क्वांटिटी ली आप देख सकते हो, गिन के मैंने 60 क्वांटिटी खरीदी है, 28, 26, 3 और 3 ऐसे करके मैंने 60 क्वांटिटी खरीदी है और मैंने यहाँ पे 60 क्वांटिटी बेच भी दी है। 63.75 पे खरीदा है और 72.70 पे मैंने यहाँ पे बेच दिया है। देखिए आप टारगेट भी कितने जल्दी, अब इसका कैश का भी टाइमिंग आप देख सकते हो, 9:18 पे खरीदा गया और 9:26 पे इसे बेचा गया है। अब आप बोलोगे शीतल इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, देखिए 63 पे बाइंग था, 494 का टारगेट अचीव हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 30-40 रुपीस मिल रहा था बट मैंने मेरे क्लाइंट्स को 10 रुपये में निकाल दिया और 537 रुपीस का प्रॉफिट लेके हम लोग बाहर निकले। तो नॉट नेसेसरी कि हर टाइम आपको 20,000-25,000 का प्रॉफिट हो, आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट में भी सुबह के आधे घंटे में एक घंटे में आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। दैट इज कॉल्ड, यही छोटी छोटी चीज़ें आपको स्टॉक मार्केट के क्लासेस में सिखाई जाती है और न्यूमरोलॉजिकली आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज आपका डाउट आई होप मैंने क्लियर किया है। टिल देन गाइज ऑल द बेस्ट।